कोलकाता डॉक्टर केस में असली दरिंदा सामने आई, बंगाल की बिटिया के साथ घिनौना काम करने वाले दरिंदों की तहखाने वाली सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। चश्मदीद ने बताई उस रात की पूरी कहानी, एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा दरिंदों किया था गलत काम। अब तो फांसी पक्की, सीबीआई ने दबोच लिया डॉक्टर बिटिया के असली कातिल को, पूरी खबर क्या है आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह हर रोज की तरह थी, मरीजों का आने जाने का सिलसिला जारी था, डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे, मरीजों का इलाज चल रहा था, कुछ दर्द से चीख रहे थे तो कुछ के तीमारदार अपने मरीजों के दर्द को देख रो रहे थे। मरीजों का दर्द ठीक करने वाले डॉक्टर्स को अंदाजा ही नहीं था कि उन्हें एक बहुत बड़ा दर्द मिलने वाला है, ऐसा दर्द जो शायद वे जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। 9 अगस्त 2024 की वह भयानक सुबह थी जब मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर की लाश मिली। महिला ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट रोग विभाग में थी। 8 अगस्त की रात को सामान्य दिनों की तरह ही वह ड्यूटी पर गई। देर रात साथियों के साथ बैठकर खाना खाया और मैच देखा, उसके बाद सेमिनार हॉल में तड़के आराम करने के लिए चली गई और सुबह आई उसके आत्महत्या करने की खबर। डॉक्टर के आत्महत्या की खबर उड़ते ही वहाँ डॉक्टरों की भीड़ जमा हो गयी, पुलिस को सूचना दी गयी और महिला ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को भी बेटी के आत्महत्या करने का बात कही गयी। हालाँकि परिवार को यह समझ नहीं रहा था कि जिस बेटी ने उनसे रात को अच्छे से बात की वह खुश थी, अचानक वह आत्महत्या कैसे कर सकती है। लाश की हालत देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि यह आत्महत्या है, मामला संदिग्ध था। खबर फैलती गई और डॉक्टर्स पुलिस की कार्रवाई पर असंतुष्ट थे। डॉक्टर का परिवार भी इसे आत्महत्या मानने को राजी नहीं हुआ। आखिर रात तक बवाल होता रहा। लगभग 10 घंटे के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। पोस्टमार्टम हुआ तो रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। उसके बाद कोलकाता डॉक्टर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और 9 सितंबर को कोलकाता डॉक्टर केस के एक महीने पूरे हो गए। मामला इस दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सीबीआई मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक घटना को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि इस एक महीने के दौरान कोलकाता डॉक्टर मामले में कब कब क्या हुआ। सबसे पहले 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए टास्क फोर्स बनाई। जांच शुरू होने के कुछ घंटे के भीतर कोलकाता पुलिस ने सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किए जाने के कारण बताए, जिसमें वह सीसीटीवी में दिखा कि वह मेडिकल कॉलेज में सुबह 2 बार गया था। घटना स्थल से संजय रॉय का ब्लूटूथ मिलने का दावा किया गया और 11 अगस्त को मामले में पुलिस और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार अफसरों पर आरोप लगे। डॉक्टरों का प्रदर्शन तेज हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष मामले में कुछ छिपा रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन की मांग तेज हुई। फिर 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष घिरते नजर आए तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हुई। लगातार प्रदर्शन जारी रहा। उसके बाद 13 अगस्त को मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। आखिर मामले में पुलिस की संदिग्ध संलिप्तता को देखते हुए के सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश हुआ और 14 अगस्त को मामले में राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी केस में स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी सरकार चौतरफा घिर गई। टीएमसी के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। बीजेपी भी हमलावर हो गई। फिर उसके बाद 15 अगस्त को कई जगहों पर महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। रिक्लेम द नाइट का नारा देकर हजारों महिलाएं सड़क पर उतर आईं। मेडिकल कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे डॉक्टर्स पर हमला किया गया, उनका धरना स्थल तोड़ दिया गया। अस्पताल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ हुई, मामला और तूल पकड़ने लगा। पीएम मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर दुख जाहिर किया। फिर 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी। उन्होंने मार्च निकालकर कहा कि वह खुद इस घटना के खिलाफ है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और सीएम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और 17 अगस्त को सीबीआई ने आरोपियों की फोरेंसिक जाँच की बात कही।
मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने पुलिस और सरकार को जमकर सुनाई। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि मरीजों के शिफ्ट करके आरजी कर मेडिकल कॉलेज को ताला लगा दें। सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया और कोलकाता डॉक्टर केस में परिवार ने इंटर्न और डॉक्टर्स पर शक जताया। फिर पिता ने सीबीआई को 30 नाम दिए। उसके बाद कोलकाता केस के खिलाफ विदेशों तक में प्रदर्शन हुए और 18 अगस्त को सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष से लगातार पूछताछ की। 24 घंटे में सिर्फ उन्हें 1 घंटे का ब्रेक दिया गया। कोलकाता की घटना में 151 ग्राम सीमेंट का दावा करने वाले डॉक्टर को कोलकाता पुलिस ने नोटिस दिया। टीएमसी और बीजेपी सांसद को केस में बयानबाजी करने को लेकर नोटिस जारी किया गया। उसके बाद 19 अगस्त को राहुल गांधी ने कठुआ टू कोलकाता से ममता बनर्जी को घेरा। बयानबाजी तेज हुई और सियासत गर्माने लगी। सुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और आसपास धारा 163 लागू कर दी गई। प्रदर्शन रैली और बैठक करने पर रोक लगा दी गई और 20 अगस्त को कोलकाता केस को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के अभाव पर चिंता व्यक्त की और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई। सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिली। बंगाल के राज्यपाल ने अमित शाह से मुलाकात कर बंगाल के मुद्दे पर चर्चा की। फिर 21 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने संभाला। 2 ACP समेत 3 सस्पेंड किए गए। डॉक्टर्स ने घटना के खिलाफ मार्च निकाला। छात्रों के विरोध के बाद नए प्रिंसिपल सहित 3 अधिकारी बर्खास्त किए गए और 22 अगस्त को संजय रॉय की साइको एनालिटिक रिपोर्ट सामने आई। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग में लॉबी के लिए काम होने की बात सामने आई। मेडिकल कॉलेज की एक प्रिंसिपल ने आईएमए से कई दंग करने वाले राज खोले। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा और 23 अगस्त को संजय रॉय का केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं तैयार हुआ, लेकिन कविता सरकार का नाम सामने आया जो संजय रॉय का केस लड़ रही है। डर और खौफ से आरजी करके हॉस्टल खाली होने लगे और 24 अगस्त को कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ। मुख्य आरोपी का जेल में ही पॉलीग्राफ किया गया एंड उसके बाद 25 अगस्त को कोलकाता में संदीप घोष के घर और ठिकानों समेत 14 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। डॉक्टर संदीप घोष का दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और 26 अगस्त को पश्चिम बंग छात्र समाज ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की और नबन्ना मार्च का आह्वान किया और 27 अगस्त को छात्रों ने राज्य सचिवालय यानी नबान भवन तक विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई घायल हुए और मामला और तूल पकड़ गया। उसके बाद 28 अगस्त को छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में अराजकता फैलाना चाहती है और 29 अगस्त को पुलिस ने डॉक्टर के माता पिता का बयान दर्ज किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सीबीआई को सौंपी। उसके बाद 30 अगस्त को ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दूसरा खत लिखा और 31 अगस्त को अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने डॉक्टर के माता पिता को घर में नजरबंद करके रखा है। फिर 1 सितंबर को सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में सामान आपूर्ति करने वाले 2 ठेकेदार बिप्लव सिंघा और सुमन हाजरा को भी हिरासत में लिया गया। घोष का बॉडीगार्ड अली खान भी गिरफ्तार हुआ और 2 सितंबर को ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। फिर 3 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ममता सरकार को अपने नेताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। संदीप घोष की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया और 4 सितंबर को कोलकाता के श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर सैकड़ों लोग जमा हुए। हजारों लोग नाइट प्रोटेस्ट करने लगे। इसे रिक्लेम द नाइट कैंपेन नाम दिया गया है। फिर 6 सितंबर को 100 से ज्यादा अफसरों की टीम ने संदीप घोष के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी ईडी ने हुगली, हावड़ा, सोनारपुर, कोलकाता में की और उसके बाद 8 सितंबर को राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने सीबीआई को नई जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 सितंबर तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने को कहा, लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी है। अगर आज किसी मंत्री या नेता की बेटी के साथ ऐसी डरावनी हरकत होती तो उसके हथियारों को कब का इंसाफ मिल चुका होता। लेकिन आज हमारे कोलकाता की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसकी हत्या के आरोपी आज भी खुलेआम आजाद घूम रहे हैं। उनके साथ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक लोग घुट घुट कर जीते रहेंगे? लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब समय आ चुका है ऐसे हैवान को उनकी औकात दिखाने का। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।